खेलों को आगे और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अमर उजाला समूह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन खेलों के साथ साथ बेटियों को खेलों में बढ़ाने का, ये कहते हैं सोने पे सुहागा, तो वो काम हुआ है कि खेल को तो बढ़ावा दिया, बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर दिया, इसलिए भी विजय में आपका आपकी टीम का अभिनंदन करता हूँ। हमारे छात्रों ने सही कहा है कि जिस समाज में मातृशक्ति की बेटियों की पूजा होती है, जहां उनका सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं, और जहां बेटियों का महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां आप जितने भी प्रयास कर ले अच्छे से अच्छा कार्य भी आपका विफल हो जाता है। इसलिए 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया, और दिल्ली के साथ अपने दो राज्य हरियाणा और पंजाब, वहां पर 837 लड़कियां 1000 लड़कों के मुकाबले होती थी, और एक राज्य में लगभग 832 1000 लड़कों के मुकाबले। केवल एक नारा नहीं था, एक अभियान नहीं था, जन भागीदारी से एक जन आंदोलन की शुरुआत की थी। आज हम कह सकते हैं 9 वर्षों के बाद हरियाणा जैसे राज्य में भी आज 990 से ज्यादा लड़कियां 1000 लड़कों के मुकाबले हो गई, ये मात्र 9 सालों में बदलाव देखने को मिला। विजय जी ने इतना ही कहना चाहता हूं, अमर उजाला ने पहले प्रयास किया, इस बार चाहे 1000 लड़कियां होंगी, आज से 5 साल के बाद जब आप मुझे बुलाओगे तो ये मैदान छोटा पड़ जाएगा, 1000 नहीं कम से कम 15-20 हजार बेटियां इसके बाद से खेल रहे और नीचे तक कार्यक्रम को लेकर जाना चाहिए, ताकि हम बेटियों की भागीदारी को बढ़ा सकें। मैं एक उदाहरण आपके सामने और देना चाहता हूं, खेलो इंडिया यूथ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये सारी शुरुआत करने वाले खेलो इंडिया अभियान की सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और केवल सोच रहे पहले 4 साल 2017 से 2021 जहां देश के 2700 करोड़ रुपए का बजट रखा, तो अगले 5 साल के 3200 करोड़ रुपए का बजट खेलो इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार कर दिया है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। अब खेलो इंडिया से हुआ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में और विंटर गेम्स में मिलाकर 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी एक साल में, ऐसा मंच दिया जहां पर 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। पिछले साल हरियाणा के पंचकुला में यूथ गेम्स हुए तो 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, तो 12 में से 11 भारत की बेटियों ने तोड़ने का काम किया। और 2022 के जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में हुए तो 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उसमें से 21 नेशनल रिकॉर्ड भारत की बेटियों ने तोड़े हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।